सो गाइस आज है अपना चिकन बनाने का प्रोग्राम। मोगली साहब लगे हुए हैं फुल टू मेहनत से। बाहर खाना खाया, घर पे डांट, उससे ज्यादा पेट भर गया। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे 9 और मैं 8 बजे उठ गया था। 8 बजे उठने के बाद मैंने 1 घंटे में ब्लॉग को एडिट कर दिया और अब करीब 10 बजे आ जाएगा। रात भी मैं बस 8 घंटे ही सोया। वैसे 8 घंटे की नींद ठीक होती है, इतनी लेनी चाहिए, लेकिन भाई 16 घंटे बाद जब आप सो तो 8 घंटे में बात नहीं बनती। थोड़ी देर दोपहर में सो जाएंगे। फिलहाल तो ब्लॉग लगा दिया मैंने एडिट में और अभी आधे घंटे में रेंडर हो जाएगा। फिलहाल भूख लगे बहुत तेज, चलते हैं नीचे और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और देखो मैंने क्या किया, रात को दूध लेकर आया था मैं ऊपर और मैं दूध पीना ही भूल गया, सारा का सारा रखा हुआ। लेकिन सर्दी तो फटेगा नहीं, इसको दोबारा से गर्म कर लेंगे। यही गर्म कर देना। सो गाइस ब्लॉग आ गया, सुबह के 10:30 बज गए हैं और अब नहा धो लेते हैं। ऐसे ही बैठे हुए सुबह से रात, बस यही 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 ठीक है। और नहा धो के मिलते हैं यार। फिलहाल चल रहे ढाबे और बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है बाइक, पहले इसकी वॉशिंग कराएंगे उसके बाद निकलेंगे। तो राइड तो करने रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है सुबह, सोचा ढाबे हुए हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन बाइक बहुत ज़्यादा गंदी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इससे राइड नहीं कर रहा। आसपास के जगहों पर धुलवाई नहीं, देख रहे हो कितनी गंदी हो रही है, मतलब कलर ही गायब हो गया। सो एक बार इसको वॉश करवा लेते हैं और बिल्कुल नई जैसे करवा लेते हैं, फिर चलेंगे। सो गाइस फाइनली बाइक होकर चकाचक कैप को रखते हैं जैकेट के अंदर और चलते हैं। यार टाइम पता कितना हो गया, 11:30 से ऊपर हो गया यार। 11 बजे निकलता घर में और बाइक साफ़ कराने में मुझे आधा घंटा लग गया। थोड़ा मंदा चलेंगे क्योंकि अभी टायर गीला है और भाई अपनी ना पूरी बाइक छींट मारती है ऊपर तक। वैसे तो पेट्रोल भी कम है लेकिन पेट्रोल डलवा लेंगे आते वक्त, क्योंकि अभी पेट्रोल पम्प इधर पड़ेगा, रॉन्ग जाना पड़ेगा। तो ओए फूट गया, बच गया, गुब्बारा आ गया था नीचे। अभी भगाएंगे नहीं भाई, आराम से चलेंगे क्योंकि इंजन पूरा ठंडा पड़ा है, वॉश होकर आई ना, बिल्कुल भी हीटिंग लेवल आ नहीं रहा। तो यही अपने 30-40 की स्पीड तक चलते हैं, इतना थोड़ा सा हीट हो जाएगा। सुबह यहाँ ना हमेशा चेकिंग होते रहते हैं, कभी भी आओ ना इस तरह तो सीट बेल्ट लगा के आना, रोक लेते हैं। अपने यार दोस्तों खड़े हैं, क्या हाल चाल? हाउ आर यू? और अरे ठीक है भाई, फर्स्ट क्लास, बढ़िया मौज में। हाँ बुक्कड़ दो दो बुक्कड़, क्या हाल है भाई? और भाई कैसे हो, लिखड़ के हाथ? A few moments later. So guys, finally चलते हैं घर। 1.5 घंटा यहाँ स्पेंड करने के बाद यहाँ का मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। और संडे को तो स्पेशली, अगर आप नहीं आते हैं, आप नहीं देखे ना जगह, एक बार आना, काफ़ी अच्छी वाइब्स हैं यहाँ की, मतलब पॉजिटिव फीलिंग आएगी। तेरा है ही ना उसपे, तो मैं तो तेरे पे गई ना, आ गया, पिंकु आ गया। बताओ किस पे करने? ओए सीके वगर, अरे मैं तेरे पे करना, अरे मैं नहीं चला रहा, मैं कैश पर नहीं तेरे पे कैश। अरे तू दिवस भाई पे करो, फाइनली भाई टहल टूल के घर आ गए और टाइम हो रहा है दोपहर के 2 और लेट हो गया खाना खाने में। अमोन भाई हम खा लेते हैं खाना करीब 12 बजे, लेकिन 2 घंटे लेट क्योंकि लेट थोड़ा सा सो के, कोई दिक्कत नहीं। हेलमेट तो मैंने टांग दिया है, मेरे हेलमेट में ले गया, बहुत अच्छी सी फिक्स हो गया है। और कैमरा भी इसमें लगा है क्योंकि ऊपर जाऊँगा तब जाके कैमरा निकालेंगे और वीडियो को आउट करेंगे उसमें से। ये मेरी कैश की जगह है ना, सेट बिल्कुल मामला। तो खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस आज है अपना चिकन बनाने का प्रोग्राम, जहाँ हम बैठते हैं यार दो सारे। ये अपना भाई भिगोना रहा और ये रहा अपना चूल्हा तैयार कर दिया, लकड़ी लगा दिए, बाकी काम चल रहा है।
यहाँ भाई लोग बैठे हुए हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है अपना प्रोग्राम पूरा। तो गाइस वर्क ऑन प्रोग्रेस है, मोगली लग रहा है भाई बिल्कुल प्याज भूनने में, कलर आने वाला प्याज का। बस ये मसाला वसाला पूरा भाई घोल दिया हमने इसमें, इसलिए ताकि फ्लेवर जो है वो उड़े ना। आग चल रही है बढ़िया। मोगली कैसा फील आ रहा है? धुआं आ रहा है कि जहाँ बैठ रहा है ना वहीं धुआं आ रहा है? ये हर बंदे की प्रॉब्लम है, जहाँ बैठोगे वहीं आएगा। अब ये यहाँ बैठा था तो यहाँ आ रहा था, वहाँ आ गया। प्याज के बाद नंबर आ गया अब टमाटर का। मारो मिस्टर शेफ, बढ़िया बढ़िया से हाथ देख के भिगोना ना पलट जाए। कपड़ा ले ले। सो गाइस फाइनली अब आ गया भाई चिकन इसके अंदर, और अभी कुछ देर बाद आपको उसका एक बहुत प्यारा फ्लेवर देखने को मिल जाएगा। और आग भी जल रही है एक नंबर की, गजब का। हमारा भिगोना बेशक काला हो गया पर कोई नहीं, हमेशा रहता है ऐसा तो। और भाई मोगली साहब लगे हुए हैं फुल टू मेहनत से। कुर्सी ले ले वाली, आराम से बैठ जा, पर वो ये बैठते धुआं आ जाएगा है ना। फाइनली होगा चिकन रेडी, और भाई अपना चिंटू उस्ताद डाल रहा है भाई बढ़िया बढ़िया पीसेस निकाल के। भाई जो ना खाते हो भाई उनके लिए सॉरी है, लेकिन अपना तो ये फेवरेट फूड में से एक है। तो भाई पिंकू भाई लाओ भाई, शुक्रिया। तो गाइस मिलते हैं अभी खाना खाने के बाद। चिंटू हेल्प कर रहा है मेरी फ्लैश जलाने में, क्योंकि लाइट कम है हमारे यहाँ। भाई बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा पेट भर गया, पेट भर गया, नियत नहीं भर रही। सही बात तो ये है, मोगली कह रहा है मैं दो तीन रोटी और खा सकता हूँ, पेट पेट अलाउ नहीं कर रहा ना, जगह नहीं है, ये लगा हुआ है भाई। तो गाइस फिलहाल चलते हैं घर की तरफ, और अब मिलते हैं घर जाके आपसे। सो गाइस फाइनली आ गए भाई घर, खाना पीना खा के। और बाहर खाना खाया, घर पे डांट हुई इसीलिए क्योंकि मैंने घर बताया नहीं कि मैं बाहर खा के आऊँगा, और बाहर खाया या घर में मेरी रोटियाँ, मतलब मेरा चून, मेरे नाम का चून जो है मान रखा था, अब वो वेस्ट जाएगा, मतलब या सुबह इस्तेमाल होगा, तो थोड़ी सी डांट भी खा ली, उससे ज़्यादा पेट भर गया। रात के 12 बज गए हैं और भाई मैंने व्लॉग कर दिया है, अरे ब्लर हो गया, हो जा साफ हो गया। मैंने ब्लॉग कर दिया है एडिट, फाइनली जल्दी हो गया है। अब इसमें आधे घंटे का काम हो रहा है, उसके बाद 12:30 बजे मैं फ्री हो जाऊंगा। इसके बाद चलेगी भाई अपनी मूवी नहीं सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर, मनी हेस्ट, नाम भूल जाता हूँ। जब भी मैं कैमरे से बात करता हूँ ना तो मैं नाम में बड़ा कन्फ्यूज होता हूँ बात करने के दौरान ना, भूल जाता हूँ चीज़ों को। तो अब याद आ गया, मनी हेस्ट का थर्ड सीजन चल रहा है मेरा, सेकेंड एपिसोड है, मज़ा आ रहा है यार देखने में। फिलहाल तो दूध गर्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई सुबह आपने देख लिया था जो रात का दूध था वो मैं सुबह वापस नहीं चले गया, तो डांट पड़ गई सुबह सुबह। सो आज मैं पहले ही ना केटल में दूध लेकर आया हूँ, और मैं इसको गर्म कर लेता हूँ। सो गाइस एक डेढ़ मिनट में ही अच्छा खासा गर्म हो गया पीने लायक, तो बंद करते हैं, बढ़िया हो गया एकदम से। तेरा अपना मग, ये तो ज़्यादा दे दिया, और बच गया इसमें तो भी, चलो निपटाएंगे। तो आज के लोगों में से इतना ही, आई होप आपको आज का लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लोग में, टिल देन बाय। ठीक गर्म हो गया।